भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने जमीन पे कोई काम नहीं किया। ये लोग जमीन पे लोगों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। आपने इस तरीके के कैंडिडेट दिल्ली के ऊपर क्यों थोपे जब ये कैंडिडेट किसी काम के नहीं थे, ये जनता का एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है, मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है। आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, मैंने देखा कि दिल्ली की लिस्ट के अंदर जो चार बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते थे, चाहे रमेश विधुड़ी हों, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हों, चाहे मीनाक्षी लेखी हों, चाहे गौतम गंभीर के भी बारे में सुना जा रहा है, इन सब के टिकट जो है काटे जा रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने जमीन पे कोई काम नहीं किया। ये लोग जमीन पे लोगों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। और जनता ज्यादातर ये कहती है कि जब जब लोगों को केंद्र सरकार की जरूरत पड़ी, यानी कि जब दुकानों की सीलिंग हो रही थी उसको रुकवाना हो, जगह जगह क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, पुलिस में मदद की जरूरत हो, इन सभी चीजों में केंद्र सरकार को जनता की बात बताने वाले जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो सांसद थे, वो नदारद रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी सामने आया और भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको बदला है। मगर ये जनता के साथ एक तरीके का धोखा है कि आप पहले किसी भी आदमी को ले आए, 5 साल जैसे तैसे जो है जनता जो है उनके साथ सहे, फिर आप उसको बदल के नया आदमी ले आए। तो पार्टी की कोई गारंटी होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट आए वो अच्छे आए। आपने इस तरीके के कैंडिडेट दिल्ली के ऊपर क्यों थोपे जब ये कैंडिडेट किसी काम के नहीं थे, ये जनता का एक बड़ा सवाल है। इसी को जोड़ते हुए सर, मेरा दूसरा, बांसुरी स्वराज जी को टिकट दिया गया है, दिवंगत सुषमा स्वराज जी की बेटी है, मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है, मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है। और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं मानता हूं कि सुषमा स्वराज जी आज यहां नहीं है, हमारे मन में भी उनके लिए सम्मान है, मगर ये सम्मान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं रहते हैं, उनके बच्चों को जब टिकट दिया जाता है तो वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। गया तो एट एन एवरेज अगर हम देखें तो 33 लोगों का टिकट जो है, 33 एमपीज का, सिटिंग एमपीज का टिकट इस पूरी लिस्ट में काटा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली लिस्ट में और भी एमपीज के टिकट काटे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्ट्रेटेजी है। आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया था, चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, कहा कि नया चेहरा दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे, चुनाव से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री को बदल के नए आदमी को ले आए। तो ये एक तरीके का एडमिशन है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इन लोगों ने कोई काम जमीन पे नहीं किया और लोग अब इन्हें वोट नहीं देंगे।